सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे चॉकलेटी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस, चॉकलेटी सॉफ्टवेयर आपको हमेशा यूज होगा जब भी आप लोग मतलब रिएक्ट नेटिव का इंस्टॉलेशन करेंगे तब भी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग विंडोज 11 में इसका सेटअप कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैं अभी डिस्प्ले पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे chocolaty.org। तो गाइस, यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट रहेगा कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे chocolaty.org, यहाँ पे साइट जो है। ठीक है, अभी यहाँ पे से हम लोग किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि राइट टॉप में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ये जो आपका यहाँ पे स्विच है, इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना होगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा का पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज यहाँ पे बताया हुआ है। अभी हम लोग किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे और कैसे हम लोग कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे, वो सारे चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप लोगों को चॉकलेटी जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको विंडोज 7 से प्लस होना चाहिए, मतलब विंडोज 7 से ऊपर का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है कि जो भी आपका पावर शेल है, ठीक है, विंडोज के अंदर जो हमारा पावर शेल रहता है, मैं इस वाले विंडोज पावर शेल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपका जो पावर शेल है उसका वर्जन जो है वो आपको वर्जन 2 से अबव होना चाहिए। तो हम लोग किस तरीके से वर्जन भी चेक करेंगे और वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड थर्ड हमारा चीज आ गया है यहाँ पे कि .NET फ्रेमवर्क का आपका जो वर्जन है आपके जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए वो 4.8 से अबव होना चाहिए या 4.8 होना चाहिए। ऑलराइट, तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चले जाता हूँ। और जैसे आप लोग सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी विंडोज का वर्जन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है। ठीक है, तो सबसे फास्ट वाला क्राइटेरिया है जो वो हमारा फुलफिल हो चुका है। सेकंड, हम लोग किस तरीके से आपके अपने पावर शेल का वर्जन चेक कर सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है पावर शेल, विंडोज पावर शेल के अंदर और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको कमांड जो है वो आपको यहाँ पे कर देना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कमांड ऑलरेडी आप लोग के लिए रखा हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ये कमांड को कर लेना है कुछ इस तरीके से कॉपी, देन हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस से अपने कमांड के अंदर और हम लोग यहाँ पे पेस्ट करके हिट इंटर कर देंगे। तो जैसे मैं हिट इंटर करता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो हमारा पीएस वर्जन है, जो पावर शेल का वर्जन है, वो हमारा ये देख सकते हैं कि 5.1 है। इसका मतलब कि हमारा 2 से अबव है। ऑलराइट, थर्ड हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है जो कि .NET फ्रेमवर्क का 4.8 वर्जन होना चाहिए। उसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। तो सिंपली आपको आ जाना है सबसे पहले तो कंट्रोल पैनल में, इस तरीके से आप लोग कंट्रोल पैनल में आ जाओ। वापस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे, वहां पे आप लोगों को आ जाना है। देन आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे टॉप में देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे टर्न ऑन फीचर और मतलब कि विंडोज का यहाँ पे हम लोग जो भी फीचर है वो टर्न ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा .NET फ्रेमवर्क 4. एडवांस, यहाँ पे 4.8 का एडवांस सर्विसेज यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 4.8 .NET वर्जन है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम लोग .NET का वर्जन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है। देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, आपको जो स्टेप है वहां आ जाते हैं। अभी यहाँ पे बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से कमांड दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन रहता है उसको बाईपास करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, सो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पावर शेल ओपन करना होगा और पावर शेल आप लोग को नॉर्मली नहीं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो सिंपली आपको इस पे राइट क्लिक करना होगा, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे सिंपली क्लिक कर देना होगा, तो हमारा जो पावर सेल है वो ओपन हो जाएगा एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा पावर सेल जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन करेंगे इसका कमांड जो भी है मेरे को मिला है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो ये कमांड है इस कमांड को कर लेता हूँ कॉपी, देन हम लोग यहाँ पे आकर के पेस्ट करके सिंपली हिट इंटर कर देंगे। राइट क्लिक से यहाँ पे कमांड के ऊपर पेस्ट होता है गाइस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑल साइंड यहाँ पे लिख करके आ चुका है। अगर आप लोग को रिस्ट्रिक्टेड आता है देन आप लोग को ये जो है आप लोग को पास करना होगा। तो अगर मैं आप लोग को ये भी एक बार पास करके दिखाऊं,
और यहाँ पे गाइस मैं पेस्ट कर चुका हूँ, हिट इंटर वापस से हम लोग करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आ चुका है। देन अभी आप लोगों को यहाँ पे यस करना होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली वाई करता हूँ और हिट इंटर करता हूँ। थर्ड में हमारा अगर मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस तो कुछ इस तरीके से आपको बाईपास का कमांड देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको भी कॉपी कर लेना है, देन आपको यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है और इस तरीके से वापस से इसको यहाँ पे वाई पास कर देना है। ठीक है, ये हमारा सारा कुछ हो चुका है गाइस। तब अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेन जो आपका कमांड है उस कमांड को यहाँ पे हम लोग रन करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे एक बार इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं पेस्ट करूंगा गाइस और जैसे इस पे हिट इंटर हम लोग करेंगे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे हिट इंटर किया हूँ गाइस तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग भी देखने के लिए मिल चुका है और यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है और आपका सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर देता है। तो देख गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉकलेटी इज नाउ रेडी करके यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को वर्जन चेक करूंगा या फिर आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे कम्प्लीटली मेरा हो चुका है या नहीं, ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी क्लियर करता हूँ और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सर्च करके चौकू सिंपली आपको हिट इंटर करना होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली मतलब बता रहा है कि हमारा चॉकलेटी जो है हमारा 2.0.0 वर्जन इंस्टॉल कंफर्म हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चॉकलेटी का कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग कमांड को और किस तरीके से वर्जन को सारे वर्जन को चेक कर सकते हैं। तो गाइस होप सो कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है गाइस तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।